हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा जो हर फेस्टिवल, हर पूजा त्योहार, हर खुशी में खाया जाता है। चलिए आज बनाते हैं सूजी, और सिर्फ दूध से, न खोया न मावा से। ये बरखाने में इतनी टेस्टी और अच्छे लगते हैं। अभी सामने रक्षाबंधन है, इसमें आप ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें एक कटोरी चीनी दिए हैं और 1.5 कटोरी पानी देंगे। आप अपने हिसाब के अनुसार अब दे सकते हैं। इसे चाशनी बनाने जा रहे हैं, पर चाशनी की तरह नहीं बनाएंगे इसे, बस जस्ट चिपचिपा टाइप का बनाएंगे। एक तार दो तार वाली चाशनी नहीं बनेगा, बस चिपचिपा, जैसे ऑयल होती है ना चिपचिपा, उस टाइप की चिपचिपा टाइप की बनाना है। बस चीनी मेल्ट हो गया, बस उसमें बन जाएगी चाशनी। पतली चाशनी रहनी चाहिए। और इसे देखिए, चेक करते रहिएगा। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गए हैं। इसमें जो सेफ्रॉन आप दे सकते हैं, इलायची का पाउडर दे दिए हैं हम कूट के इलायची दिए हैं। और देखिए बस चिपचिपा हो गया है, बस इसे फ्लेम बंद कर देंगे। ये सेफ्रॉन का पानी दे दीजिए, या फूड कलर है तो वो भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें घी ले लिए हैं। जितना आपको गुलाब जामुन बनाना है उतना आप सूजी दीजिए, हम 2 कप दिए। बस इसे फ्राई नहीं करना, जस्ट गर्म करना है। इसे एकदम फ्राई नहीं करना है, जस्ट वर्म गर्म करना है। और जिस सूजी के अनुसार आप दूध लीजिए, 1 कप सूजी में 2 कप दूध, 2 कप सूजी में 4 कप दूध चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए ये डो के तरह हो जाने चाहिए। बस इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ठंडा करके। ये दूध का पाउडर है, ऑप्शनल है, और 1 चम्मच मैदा है। इससे स्वाद, टेस्ट, बहुत फ्लेवर अच्छे आते हैं। आप दूध का पाउडर दे दीजिए, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगेंगे। और डो को जितना, मेन प्रोसेस इसका डो है, डो को जितना आप चिकना करेंगे उतना परफेक्ट आपका गुलाब जामुन बनेगा। देखिए ये मैंने डो को गोल करके देख लिए। अगर ये आपको परफेक्ट नहीं हो रहा है तो इस डो को फिर से आप मिक्स करिए, फिर से इसको गूंदिए और उसको परफेक्ट करिए ताकि क्रैक ना हो बॉल। बॉल को राउंड राउंड करते करते इसमें ऑयल की तरह आ जाने चाहिए हाथ में। अगर बहुत ही ड्राई है तो आप हाथ में हल्का घी लगा सकते हैं। अब देखिए फिलिंग बना रहे हैं हम, कुछ ड्राई फ्रूट, नारियल का बुरादा और थोड़ा सा सेफ्रॉन का पानी और थोड़ा मिल्क पाउडर दे के मिक्स किए। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। आप ऐसे भी बनाएंगे तो वो भी टेस्टी लगेगा, या तो आप बादाम भी दे सकते हैं, इलायची भी दे सकते हैं, पर मैंने इसमें नारियल का पाउडर, ड्राई फ्रूट और दूध का पाउडर मिक्स की हूँ और सेफ्रॉन। बॉल्स इस तरह बना के रखे हैं, उस गुलाब जामुन में फिलिंग भरेंगे। ये देखिए इस तरह लॉक करिए, स्टफिंग इसमें भर दिए। अब इसे लॉक करिए और इसको अच्छे से राउंड राउंड करिए जब तक ये चिकना ना हो जाए। देखिए फिर इसको स्टफ कर लिए, लॉक कर दिए, फिर राउंड राउंड करेंगे ताकि पूरे अच्छे से राउंड, इसका मेन प्रोसेस है। इसी तरह सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं, इसमें स्टफ करके, लॉक करके, फिर राउंड राउंड करके सारे बॉल्स को मैंने तैयार कर लिए हैं। बस ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी कुछ दीजिएगा फिर भी आपको टेस्टी लगेगा। आप पे कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, इसको आप घी से भी तल सकते हैं,
मैंने ऑयल लिया है, रिफाइन ऑयल। आप बिना स्टफिंग के ऐसे भी बना सकते हैं। एक छोटा सा गोला, एक तो छोटा सा आप डाल के देख लीजिए, तेल आपके गर्म हो गए हैं, चिपक नहीं रहे हैं, तब समझिए कि आपको तलने के लिए तैयार है गुलाब जामुन। ये मीडियम टू हाई फ्लेम में ही आप इसे फ्राई करिएगा। अब इसे चेक करते रहिए, हिलाते रहिए। इसे ठंडा करके बिल्कुल मत दीजिएगा, ये चिपक जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में ही गुलाब जामुन आप फ्राई करिएगा। अब मैंने मीडियम फ्लेम कर लिए हैं और इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करूँगी। देखिए इस तरह हो गए हैं, इस तरह परफेक्ट करना है। इसे हिलाते रहिएगा इसी तरह। अब इस ये हो गए हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लिए एक प्लेट में, निकाल लूँगी सब। सारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए और ना बिल्कुल गर्म, जस्ट गुनगुना वर्म होना चाहिए, जस्ट गर्म होना चाहिए, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसे आधे घंटे के लिए चाशनी में मैंने छोड़ दूंगी। देखिए आधे घंटे के बाद मैंने निकाल के इसे सर्व किया है। ना खोया ना मावा है, बस दूध और सूजी से बनने वाली ये है और ये रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे, खा के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार बना के आप ट्राई करिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।